पलवल सीआईए पुलिस ने मुखबिर की खास सूचना पर शमशाबाद निवासी अमित को गोली मारकर घायल करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच अधिकारी एएसआई रणवीर सिंह ने बताया कि सीआईए पुलिस को मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि शमशाबाद निवासी अमित को गोली मारकर घायल करने के दो आरोपी भूपेंद्र सनप सिंहराज निवासी बहरौला और कृष्ण सनोप राजू निवासी आदर्श कॉलोनी पलवल आगरा चौक पर एक अल्टो कार में सवार होकर पलवल से फरार होने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पलवल सीआईए टीम ने नाकाबंदी शुरू कर दी और दोनों आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। रणवीर सिंह ने बताया कि आरोपी भूपेंद्र और कृष्ण ने 2 मई शमशाबाद निवासी अमित को पुरानी रंजिश के चलते गाँव बहरौला स्थित बने खेतों पर गोली मारकर घायल कर दिया और तभी से आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी और 5 मई को पुलिस को मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी आगरा चौक पर एक कार में सवार होकर पलवल से फरार होने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को कार सहित मौके से काबू कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 2 अवैध हथियार सहित 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं व दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। ये एक 307 का मुकदमा है, 301/2/5/2018 का सदर थाने का बैरोला गांव में खेतों में मकान पर गोली चली थी और जिसमें मोहित नाम का एक लड़का शमशाबाद का है वो घायल हुआ था। उसमें पकड़े हैं 2 आरोपी, एक का नाम भूपेंद्र सन ऑफ सिंहराज जाति गुजर रेजिडेंस ऑफ बैरोला, दूसरा कृष्ण सन ऑफ राजू निवासी आदर्श कॉलोनी नजदीक रेलवे लाइन पलवल का निवासी है और उनसे एक एक कट्टा 315 बोर और 2-2 वो एक खाली खोल बरामद हुआ है। और जो घटना में प्रयोग कार थी अल्टो HR30R0124 वो भी बरामद की है। कहाँ से गिरफ्तार किया है? ये पलवल से ही गिरफ्तार किए हैं जो कहीं बाहर जाने के लिए उसमें थे।